Citylive, a platform to sharing your thoughts. आज राजधानी जयपुर में डिक्की की ओर से बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें NSIC, MSME और स्किल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और ख़ास तौर से पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। क्या कहा इस मौके पर यहाँ आए हुए मेहमानों ने, आइए जानते हैं। डिक्की राजस्थान चैप्टर ने जो ये शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे हम सबको पता चलेगा कि कौन कौन सी स्कीम्स हमारी हैं और ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन SC ST के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या फाइनेंसिंग अवेलेबल है, किन किन प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बने, जॉब गिवर्स बने। और स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के रूप में हमारी भी ये भूमिका है। और जैसे कि आज मैंने सभी हमारे दोस्तों से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट की कि हम डिजिटल स्पेस में जाके नए नए उसमें उन्हें तो जो हेरिटेज टू हाईटेक, यानी ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी काम करें, साथ साथ नए सेक्टर्स में भी अपन उसमें जाएँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम बेसिक कैरेक्टर्स यानी मेहनत का, लगन का, निष्ठा के काम करने का, वो तो है ही, उसको थोड़ा रिसोर्सेज से जोड़ दें और डिक्की जैसे प्लेटफॉर्म इसको आगे बढ़ाएं, तो हमारे यूथ कामयाब होगा और एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर वो बनेंगे। है वो नेशनल SC ST हब का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो NSIC के थ्रू ही हो रहा है। तो नेशनल SC ST हब के अंदर NSIC जो है वो SC ST उद्यमियों को किस तरीके से जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है, वो सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया। और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो सरकार का लक्ष्य है 4% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम SC ST एंटरप्रेन्योर्स, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिसमें सरकार जो है वो SC ST उद्यमियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो ये सारा डिस्कशन आज के स्टेप में हुआ। दूसरी बात के ऊपर जो है प्रैक्टिकली क्या समस्याएँ आती है जब एक उद्यम को स्टार्ट किया जाता है, वो सारे फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। और तीसरी बात के अंदर कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से प्रयास कर रही है। जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है NOCs जो हैं, क्योंकि एक आप यदि कोई भी उद्यम लगाते हैं तो उसके लगभग 100 NOCs की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम 17 डिपार्टमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए जो है उद्यम विदाउट NOCs आप लगा सकते हो। 3 साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, तब तक आपको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से NOC लेने का ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर आए हुए थे जो ऑलरेडी जो उद्यमी हैं या जो उद्यमी उद्यम लगाना चाहते हैं, जो बडिंग उद्यमी हैं, उन सब ने बड़े ही उत्साह के साथ इसको सुना। उनकी जो भी क्वेरीज थी वो हमने कोशिश करी कि हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। और NSIC की तरफ से मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी टीम है जो बड़े उत्साह के साथ डिक्की के साथ काम करने को हम लोग प्रेरित हैं। और आगे भी इस तरीके के फंक्शंस में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिक्की के साथ कर सकते हैं। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मकसद ही सिर्फ एक है कि डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब गिवर्स। नौकरी देने वाला कैसे बन सकते हैं, और वो भी जब बात की जाए कि एक SC ST का व्यक्ति जहाँ वो जो नौकरी ढूंढने के लिए भाग रहा है वो जॉब गिवर कैसे बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को अचीव करने के लिए हम लोगों ने जो 2 टूल इस्तेमाल किए, एक वो था डॉक्टर अम्बेडकर की इकोनॉमिक थाट्स, उनको आज के पर्सपेक्टिव में कैसे ले सकते हैं, और दूसरा जो हमने टूल इस्तेमाल किया, व्हाट आर द चैलेंजेस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं। हमने उन्हीं रुकावटों को अपना टूल बनाया और उन्हीं रुकावटों को भी स्ट्रेंथ बना लिया। फॉर एग्जांपल, हमने मार्केट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, प्रोडक्ट बन गया तो वो क्वालिटी और दाम के साथ साथ एक और सोशल पैरामीटर पर भी चुना जाता है जिसकी वजह से शायद वो रिजेक्ट हो जाए। इस चीज़ को कैसे सरल किया जाए, तो हमने सरकार को अपना माध्यम बनाया, हमने सरकार को ही अपना बायर बनाया। 2012 पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 4% का रिजर्वेशन करवाने से SC ST SME को आज वो मार्केट स्टेट और सेंटर मिलाकर तकरीबन 1,00,000 करोड़ का हो गया है, यानी हमने इनको मार्केट दिलवा दिया जिसमें वो सोशल पैरामीटर कहीं काउंट नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनको पैसा चाहिए था। पैसे में भी वही बात आती थी कि एक परसेप्शन बना हुआ है, अगर SC ST वाला है तो शायद बैंक एंटरटेन ना करे, ये परसेप्शन भी है, कहीं पर हकीकत भी था। उसी को लेके हम लोगों ने पॉलिसी बनवाई स्टैंडअप इंडिया। स्टैंडअप इंडिया में आज की तारीख में हज़ारों लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं।
पहली बार था कि बैंक की हर ब्रांच को एक मैंडेट दिया गया कि आपको एक एससी एसटी और एक महिला उद्यमी को लोन देना कंपलसरी है, वो भी कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल नहीं होता था उसे हमने स्ट्रेंथ बना दिया, बैंक एंटरटेन नहीं करता था उसे हमने मैंडेटरी बना दिया। तो ऐसी चीज़ें हमने की जिनकी वजह से अभी ये अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आज कह सकते हैं 15 साल की जर्नी ख़त्म करने वाले हैं, हमने तकरीबन 10,000 के ऊपर नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं और ये जर्नी कंटिन्यू है। हाँ, काफ़ी कामयाब रहा है। हमारी कोशिश थी कि हम 100 लोगों को एटलीस्ट यहाँ बुलाएं जयपुर से रहने वाले लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस भी वो हो जो अवेयरनेस उनके लिए हो जो कुछ करने के इच्छुक हो। तो हमारा ऐसा टारगेट रहता है कि हम उद्यमी बनाने के लिए जोर देते हैं ना कि नौकरी देने के लिए। तो जैसे कि रेस्पॉन्स आया है, 100 से ऊपर उद्यमी लोग आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, तो उनको मार्गदर्शन के लिए भी जो उचित हमारे चीफ गेस्ट थे ललित के पवार साहब वो पधारे थे, नाबार्ड के जो सीजीएम साहब आए थे, एमएसएमई के आए थे, एनएसआईसी के आए थे। तो योजनाएं तो सर बहुत है, अब ज़रूरत है कि उद्यमियों को उन योजनाओं को सार्थक बनाने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि जानकारी अवेयरनेस तो हम कर रहे हैं डिक्की के माध्यम से, पर उस अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं जब तक वो एंड यूजर तक न पहुँचे। हमारा मानना यह है कि जब ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम में लोग आएंगे, उनको अवेयरनेस है स्कीम्स के बारे में, तब वो स्कीम्स को भी लाभान्वित करेंगे, वो अपने एंटरप्राइज भी इस्टेब्लिश करेंगे, वो गवर्नमेंट के अंदर टैक्स पेयर भी बनेंगे। डिक्की द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर इतने लोग एक साथ मिलना और साथ में मिलने के साथ में वो अपॉर्चुनिटी जो है, बेसिकली जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें जो 4% के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एसटीएससी के लिए जो हमारी स्कीम है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम की, क्योंकि एसटीएससी इंटरप्रेनर को कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, न्यू यूनिट लगाने के लिए 25% सब्सिडी मिलती है। इसलिए लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये इसके लिए कहीं अलग से जाना पड़ेगा, कोई अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सीधा बैंक को जाके बताना होता है कि मुझे इस स्कीम के तहत फंड चाहिए, अदरवाइज वो पीएमईजीपी और उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। तो पीएमईजीपी के लिए वेट करते रहो साल भर, आप जाइए बैंक, अपना प्रपोजल दीजिए और अपना यूनिट स्टार्ट कीजिए, इसमें कोई बहुत जल्दी हो सकता है। तीसरा जो मेरा मेन मकसद था आने का कि क्लस्टर्स, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 क्लस्टर्स पर काम किया जा रहा है। यदि इंटरप्रेनर मिलके 25 से 30, 40, 50 लोग आते हैं तो 90% तक कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए 90% की ग्रांट है, और मार्केटिंग के लिए डोमेस्टिक ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इनमें जाने के लिए हम लोग 100% सब्सिडी देते हैं। आज 4 फेयर जो जयपुर में थे वो हमने रिकॉग्नाइज करवाए हैं अप्रूव्ड है एमएसएमई के माध्यम से। यदि कोई इंटरप्रेनर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो उनको उनकी जो चार्जेज है वो रिमबर्स हो जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग बिना ट्रेड फेयर में जाए मार्केटिंग संभव नहीं है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के साथ में हमारी स्कीम्स में लीन प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे ईडीसी सेल है, इंटरप्रेनर फैसिलिटेशन सेंटर है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जिनके माध्यम से समय समय पर मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट एमएसएमई में आने के बाद तैयार किया जा सकता है। शायद ऐसा कोई फील्ड नहीं है, बेसिकली हम लोग हवन इसको स्पोक मॉडल के तहत 20 टूल रूम हमारे चल रहे हैं और उतने ही टूल रूम्स और आने की संभावना है, जिनके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी टूल रूम सर्विसेज और टेक्नोलॉजी नए इंटरप्रेनर स्टार्टअप को प्रोवाइड करेंगे, साथ ही स्किल के टाइम पे हाई एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पर टूल रूमों के माध्यम से इंटरप्रेनर्स को हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जैसे प्लग एंड प्ले के माध्यम से इंटरप्रेनर आसानी से तैयार हो सके। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।